किसान भाइयों, मैं आज लहसुन का झुलसा रोग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इस बार कई जगह पे आपने देखा होगा कि झुलसा रोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लहसुन के क्रॉप को या फसल को प्रभावित किया है। इसके को हम स्टेमफाइलम ब्लाइट भी बोलते हैं। स्टेमफाइलम वेसिकेरियम एक जो फफूंद होता है, जो फंगस है, उसके कारण से ये होता है। और ये जो झुलसा रोग है, शुरुआत में तो नहीं पता लगता है कि ये एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं कि पर्पल ब्लॉच की तरह ही देखने को लगता है। जनवरी फरवरी के महीने में जब अधिक बारिश होती है या कह सकते हैं कि तेज़ वर्षा होती है, चूँकि इसका पत्ता जो होता है वो ज़मीन पे ही होता है, तो यह रोग तेज़ी से फैलता है। और यह इतना तेज़ी से फैलता है ये रोग कि कई बार किसान को संभलने का मौका नहीं मिलता और पूरी तरह से क्रॉप जो है वो प्रभावित होती है। फसल जो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी तरह से फसल जो है वो ख़त्म हो गया है। और इसमें शुरुआत में निचले पत्तों पर हल्के हरे रंग के जो लंबे धब्बे दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल जो है पर्पल ब्लॉच की तरह दिखता है। और पर्पल ब्लॉच और इसमें अंतर यही होता है कि जब अधिक प्रकोप होता है तो जो पत्ते के ऊपर है वो धब्बे जो है जो बड़े हो करके वो काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जबकि पर्पल ब्लॉच में जो धब्बा है वो बड़ा हो करके जो है वो उसके सेंटर पॉइंट पे जो है वो पर्पल कलर का दिखता है। तो पर्पल ब्लॉच में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसका बीच का जो भाग है वो काला हो जाता है। अधिक यदि जो है रोग अधिक तेज़ी से फैल जाए तो पूरा खेत ही झुलसा सा दिखता है, जैसे लगता है कि पूरा खेत ही। और अगर गांठ बनने के समय में ये समस्या आती है, खास करके जब गांठ का विकास होता रहता है, और अगर इस तरह से इसका आक्रमण हो जाए तो पूरी की पूरी जो लहसुन की फसल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कंद का आकार जो है वो छोटा रह जाता है, या जैसे बोलते हैं गांठें जो बनती ही नहीं है। तो किसान भाइयों को कई बार ये फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। रोग के लक्षण जैसे ही दिखाई दे तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मेटालैक्सिल जो अकेला आता है, मेटालैक्सिल कई सारे जैसे कृषि रसायन वगैरह का आता है, उसका जो है 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके तुरंत ही छिड़काव कर दें। इसके अलावा जो है आप मैनकोजेब जैसे कार्बेंडाजिम वगैरह या मैनकोजेब साथ में आप जो डायथेनियम 45 आता है उसका छिड़काव ज़रूर करें। हो सकता है तो दोनों को मिला के भी कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग करें। ये दोनों में जो अगर पर्पल ब्लॉच है तब भी काम करता है, और अगर जो है स्टेमफाइलम ब्लाइट है तब भी काम करता है। जो लहसुन का जो पत्ता है वो थोड़ा उस पर पाउडरी होता है, जिसके कारण से जब हम स्प्रे करते हैं तो कई बार किसान कहता है कि दवाई का असर नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें स्टिकर को ज़रूर मिलाएं। स्टिकर आप समझते हैं कि चिपकने वाला, अदरवाइज आप शैम्पू डाल सकते हैं। और ये इसमें 2 स्प्रे अवश्य करें, कम से कम 15-20 दिन का अंतराल लेकर के शुरुआत में ही। तो हर बार जहाँ पर प्रोफेशनली जो कमर्शियल इसका उत्पादन करते हैं लहसुन का, तो उनको चाहिए कि जनवरी से 15-15 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे करते रहें। जो पत्ते हैं, जब हम पत्ते इकट्ठे करते हैं, जब गांठें उखाड़ते हैं, अगर झुलसा रोग से ग्रसित है, तो इसके पूरे के पूरे पत्ते निकाल करके इसको हम जो है जला देते हैं और ऐसे जगह फेंकते हैं ताकि उसका जो है अवशेष जो है वो खेत में लौट करके ना आए। गर्मी में इसका जो है आक्रमण बहुत तेज होता है, और ये कोशिश कर रखनी चाहिए किसानों को कि जब भी आप स्प्रे करें तो स्प्रे जो है शाम के समय करें, और या फिर अर्ली मॉर्निंग कर लें जब हवा कम चल रही हो। और डायथेनियम 45, बेविस्टीन और उसके अलावा मेटालैक्सिल को ज़रूर तीनों को प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रारंभ में बीमारी नहीं भी आई है तब भी आप कोप्रोक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। अगर जब अगर आपने ये लहसुन लगाया है और इससे आपने बीज रखना, अगर ग्रसित पौधा है तो इसका बीज बिल्कुल ना रखें, ताकि नहीं तो ये अगले सीजन में ये जा सकता है। तो किसान भाइयों, यही बताना था। धन्यवाद।